हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है संजू और आज हम एक और न्यू वीडियो के साथ। और जैसा कि आप देख सकते ही हो कि बिग बॉस का कुछ सीन हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं। जैसे कि मुझे किसी एक ने बोला कि प्लीज़ भाई बिग बॉस की एमसी स्टैन के क्लिप्स पे देखो क्या सीन चल रहे हो। तो लेट्स सी, इसमें एमसी स्टैन का फाइट हुआ था अर्चना से, गौतम से भी। सो लेट्स सी क्या सीन है। गुए क्या उधर खिलाने, बकवास बकवास कर रहा है ये, बकवास कर रहा है। गुए के खिलाने बकवास कर रहा है, तोड़ दूंगी इसकी। मैं इससे बकवास नहीं कर रही हूँ, फिर भी भोग रहा है कुत्ते की तरह। अरे चुप, अभी तक आपने एक चीज नोट करी, इसने एक वर्ड भी उल्टा नहीं बोला। मतलब ऐसा है, उसको डायरेक्टली कुत्ता बिल्ली सुअर ऐसा कुछ नहीं बोला। एंड इसका एक डायलॉग है और वो सही बात है, क्योंकि तू इतना ज्यादा बड़बड़ बड़बड़ करती है, ठीक है, तो तेरे में कहाँ से इतनी एनर्जी आती है? तो फिर कुछ नॉर्मल खाने से तो आती होगी नहीं। बकवास कर रहा है, तोड़ दूंगी इसकी। मैं इससे बकवास नहीं कर रही हूँ। और एक और चीज नोट करना, कभी भी एमसी स्टैन के बात करते टाइम कभी बीप नहीं हुआ अभी तक एक भी बार, सारी फाइट्स के अंदर भी, क्योंकि वो गाली नहीं बकता और सब लोग गाली बकते हैं। यहाँ के बाद थोड़ा सैड भी हो गया था एमसी स्टैन, अगर आपने देखा हो तो। फिर भी भोग रहा है कुत्ते की तरह। अरे चुप, कुत्ता बना दूंगी इसे, कुत्ता बना दूंगी तेरे के घर के। तेरे के घर के गया बोल रही हूँ, बेफालतू के फुटेज लेने आ जाते हैं। पिलाऊंगा मैं इसको, तू खा पहले। मैं ये आंटी कैसे रही, आंटी लोग को कैसे ले ले इधर, बैठी हूँ यहाँ पे। ये बस्ती के आंटी लोग को क्यों ले ले ऐसा? फुटेज मत ले, फालतू की फुटेज मत ले। हाँ तू फुटेज देंगी मेरे को। हाँ चुप बैठ जा, भोग चल रे, जा उधर चल, चुप बैठ, भोग मत अब, बकवास कर रहा है यहीं पे, तोड़ दो। ये देखो सारी चीज इसकी क्यों म्यूट करी, क्योंकि भाई तू गाली बक रही हो। ओके, उसने अभी तक उस यहाँ के बाद सैड भी हो गया था, लेकिन क्योंकि वो लड़कियों को नहीं बोलता उल्टा, यार वो बंदा अलग है यार, थोड़ा सीन से पता नहीं यार इतना ज़्यादा अच्छा क्यों है। लेकिन ये चीज़ ऑडियंस को पता लगेगी ना ब्रो, बिग बॉस में आने का उसका यही सीन ज़्यादा भी था कि ऑडियंस को उसके बारे में ज़्यादा पता लगे। बाकी तो जैसा इन नेचर है ये तो है, दिखने में अलग फर्क पड़ता है, दिखने में पर्सनैलिटीज की बहुत ज़्यादा अलग है, उससे बंदे जज कर लेते, तो वैसा सीन नहीं है। इसलिए बिग बॉस के अंदर जब वो रहेगा, कैमरों पे आएगा, जैसे कि अभी वो किसी लड़की को गाली नहीं बकता ना, वो लड़की से लड़ाई करता, लड़की को साफ बोलता है आप साइड हो जाओ, मैं उससे बात कर रहा हूँ, उससे करने दो, तोड़ दूंगी दिखा ना, तोड़ना और आपको अगर ये चीज आपने देखा होगा तो आपको पता होगा कि देखो नॉर्मली ना एक क्या रहता है, नेचर होता है, ठीक है, नेचर होता है बंदे का कि आप खड़े हो अगर कहीं पर, ठीक है, फिर ना बहुत सारे लोग आ जाए या ग्रुप आ जाए, एक पाँच छः लोगों दोस्त का, फिर वो धीरे 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 ना आपको कॉर्नर कर देंगे उधर से। तो वही यहाँ पे सीन हुआ था, ठीक है। उसके बाद इसलिए चुपचाप चला भी गया था वहाँ से, फिर वहाँ पे गया, वहाँ पे आ गई अर्चना सेम जगह पे, तो वहाँ से फिर ये किलर्स के इसका मत्था खराब हुआ, फिर ये यहाँ पे आया। सीता का मांग रखे दे रहे नहीं क्या? एग्जैक्टली, तू पहले अच्छे से गिर रहा तो अच्छे से खेलने दो, नहीं तो मैं भी रुकेगा फिर ऐसा क्या छपरी चाले, मैं भी कर सकता। गलत है ना, गलत है, गलत सही का तू क्या बिग बॉस है क्या? शेमड़ी मैं अर्चना भाई, इसलिए इसने बोला था घू खाती है क्या, ये देखना की बात है। अपना दिमाग लाके और भी चीजें जवाब दे सकते हो ना आप। गलत है, गलत सही का तू क्या बिग बॉस है क्या? शेमड़ी अब ये लाने का मतलब क्या बनता है भाई? चलो ठीक है यार, हम लोग को क्या, हम लोग तो ऑडियंस है, अब अपन के हाथ में वोट देने की शक्ति है, वोट दो, फुल पावर सपोर्ट करो, बाहर नहीं निकलना चाहिए अपना बंदा, पहली बोल रहा हूँ मैं। आंटी है तू, हाँ मत दिख मत जा, चल शेमड़ी भोक मत, चल भोक मत, तेरे इंसान है मैं शेरनियन कुत्ता निये के नाम ले रही बजर बजेगा तुम क्या है ये ऑलरेडी द फाइटिंग लड़के चले कर अगर आप बिग बॉस देखते हो ना आप समझ सकते हो भाई, मेरा मन करता है मैं टीवी बंद कर दूं यार, छोड़ भाई बिग बॉस, तेरी आवाज दिन भर किरकिर हमारे कान में चुपते, हम लोग बोलते क्या चुप रहे, चल शानी बन, सुनने की आदत डालना फिर, सुनने की आदत डाल, खाने की आदत डाल,
वो तू खा, वो खा, वो मैंने तुम्हारे खा लिया, बचपन में तुम अभी तक खा, वो खा लिया मैंने, तू अब तू खाना, मेरे को नहीं खाने का, मेरे घर में खाता ही है, वो तो खाता ही है, दिखता है वो तो जैसी शक्ल है। हां तेरी शक्ल देखी क्या एक्टिव है जैसे, यार रैपरों से मत लो यार, रैपरों का भाई डिश वो 2 दिन में बना देते तो छाप मारने में ज्यादा देर थोड़ी लगेगी यार। स्टैन पाजी आई लव यू, जैसी शक्ल है। हां तेरी शक्ल देखी क्या एक्टिव है जैसे, बहुत अच्छी मेरी शक्ल, तुझे नहीं पता कितने लोग मरते हैं तेरे जैसे मुंह निकले, कितने लोग मर, डोरेमोन ने आका ओ तेरी हेड की आग मेरी, तुझे नहीं पता कितने लोग मरते हैं तेरे जैसे मुंह, कितने लोग मरते हैं मेरे शिनशन जैसे मुंह की, कितने लोग मरते हैं शिनशन जैसे मुंह है इसका, शिनशन तो हूं मैं कम से कम, हां तू तो वो भी नहीं है। ये देखो छी भाई छी, ब्रो दिस ऑल कमिंग बाइंग और व्हाट, नो सी वी गिव देम एज लेस एज पॉसिबल सो वी सेव रेस्ट फॉर आवरसेल्व्स, इधर रुकते क्या, रुकना इधर बस आ रहा मेरे को। हां सो या हेयर इज योर वीडियो अबाउट एमसी स्टैन, सो या थैंक यू सो मच गाइज यहाँ तक देखने के लिए, और वीडियो में थोड़ा मजा आया हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन एंड कमेंट योर फेवरेट चीज़ जो पे भी आप चाहते हैं मैं रिएक्ट करूँ, और मिलता हूँ आपसे बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, एंड टेक केयर, हैप्पी दिवाली, प्लीज़ अपने घर पे रहें, सेफ रहें, और दारू वारू ना पिए, सॉरी समझ सकते हो, चलो ठीक है गाइज, बाय बाय, टेक केयर यार, मजे लो, ऐसी बिग बॉस वगैरह देख के खुश रहो और सपोर्ट करो, और वोट दो यार एमसी स्टैन को प्लीज़, ताकि वो थोड़ा ज़्यादा दिनों तक अंदर रहे, लंबा गेम खेले, हम भी चाहते हैं उसके और ज़्यादा बड़े यार आगे बढ़े, ठीक है, तो यस इसका मतलब आपको पता ही है, चलो ठीक है फिर, टेक केयर, बाय बाय।